जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी कर दिया है। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है ये आपको बताया जाएगा। एंड अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो आप मेरे द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहाँ पर जानकारी सेंड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि ये वैकेंसी आपकी 687 पद पर निकाली थी, जिसके फॉर्म आपने 2 जुलाई 2023 तक भरे थे। कौन कौन सी पोस्ट पर आई थी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आइए इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में, और यहाँ पर आने के बाद में DDA एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अभी गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक सवाल ये है कि सर जो GSA की पोस्ट है इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो इसके लिए जो डेट है एग्जाम की वो आ चुकी है। एग्जाम की डेट आपके यहाँ पर 14 सितंबर से स्टार्ट है GSA की, और आपके 24 सितंबर 2023 तक एग्जाम होंगे इस वाली पोस्ट के, जो कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो जो आपकी एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी है जैसे कि वो आपकी 2 से 4 सितंबर के बीच में आ सकती है, और फिर उसके जो भी आपकी एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी आएगी और फिर उसमें जो आपकी एग्जाम डेट होगी और एग्जाम डेट होने के जो भी है उसके 3 से 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तो ही जैसे की जानकारी, जो कि आपका बीच में सवाल आता ही कि सर कब आएंगे, इसलिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आपके पटवारी या फिर जो आपकी अन्य पोस्ट बचती है जिनके एडमिट कार्ड आए हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा। इस तरह से एप्लीकेंट डिटेल्स होगी और एक तरफ होगी एग्जाम डिटेल। एग्जाम डिटेल में आपको यहाँ पर सिटी इंटीमेशन देखने को मिलेगा और ई एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। आप ई एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपकी एडमिट कार्ड की फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अभी एक और जानकारी इसमें मैं ऐड करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से और आप अपना बेसिकली पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप यहाँ पर फॉरगॉट यूजर आईडी पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी वही ईमेल आईडी अब यहां पर डालेंगे जो कि आपने राशन के समय इस्तेमाल की थी, ये कैप्चा कोड डालेंगे और फॉरगॉट यूजर आईडी पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अगर आपकी ये ईमेल आईडी सिस्टम के साथ में इनके रजिस्टर हुई और आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट हुआ, तो आपको मैसेज के माध्यम से आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेंड कर दिए जाएंगे। उसका इस्तेमाल करके फिर आप यहां पर लॉगिन कर लेंगे एंड लॉगिन करने के बाद में एग्जाम डिटेल पर आकर के ई एडमिट कार्ड पर क्लिक करके इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर गाइस आपका रोल नंबर ये सब जानकारी आपको दी गई होगी, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आपकी एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम का जो एग्जैक्ट टाइम है वो क्या है, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसके भी आपको 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है ताकि कोई आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा प्लीज अफिक्स या फिर पेस्ट डू नॉट स्टेपल, आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है आपका, उसको स्टेपल नहीं करना है। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और साथ ही आपको उस पर साइन अक्रॉस यानी कि आधे साइन आपके फोटो के ऊपर होने चाहिए और आधे यहाँ पर नीचे की तरफ होने चाहिए। एक फोटो चिपकाना है, उस पर साइन करने आधे नीचे की तरफ और आधे ऊपर, और वो फोटो आपका कलर और रिसेंट होना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पर ये भी कहा है कि दिस ई एडमिट कार्ड इज नॉट बी रिटेन्ड बाय द इन्विजिलेटर एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका एडमिट कार्ड है ये आपको वापस नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब ये हो जाता है कि जब आप यहाँ पर इस एडमिट कार्ड की यहाँ पर प्रिंट निकलवाएंगे तो आपको 2-3 फोटोकॉपी निकलवानी है, ताकि आप तो एक तो वहीं पर जमा कराए और एक अपने घर पर रख ले या फिर 2-3 अपने घर पर रख ले, ताकि आपको आगे चल करके जो भी कहीं पर भी ये मांगा जाए तो आप उसको दे सके। अभी यहाँ पर आपके सामने एक डिक्लेरेशन है, ये आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखना है और नीचे आपको इंग्लिश के अंदर अपने हैंड से रिटर्न करना है, और आपको बोला है कि नीचे अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में 2 कथन दिए गए, ये दोनों कथन जैसे है वैसे ही काली नीली स्याही के बॉल पॉइंट पेन से अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष या फिर लैब में निरीक्षक के सामने यानी कि जो आपका रूम इन्विजिलेटर है उसके सामने आपको लिखना है, ना कि आपको घर से लिख करके ले जाना है। रिप्रोड्यूस सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। नेम एंड सिग्नेचर जो कि आपके रूम इन्विजिलेटर हैं उनके होंगे, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं वो आप जान लीजिए। प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, आपको इस एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी लेकर के जानी है। 2 फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी होगी, बेसिकली 2 फोटोकॉपी आपको करा लेनी है। एक तो आपको वहां पर लेकर के जानी है जो कि वहीं पर जमा हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। दूसरा आपको यहाँ पर एक ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर के जानी है, जिसमें कि आप
आप यहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनमें से किसी भी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका खुद का मास्क आपको लेकर के जाना है, ग्लव्स के बारे में भी आपको बोला है, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर के बारे में आपको बोला है 50 ml, वैसे ये कंपलसरी अब रही नहीं, बट फिर भी जब यहाँ पर लिखे है तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। साथ ही 2 फोटोग्राफ आपको लेकर के जाने, इफ केस प्रिंटेड फोटो इज ब्लर नॉट प्रिंटेड, यानी कि अगर आपका फोटो एडमिट कार्ड के ऊपर ब्लर है या फिर फोटो नहीं है तो फिर आप 2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा लेकर के जाइएगा। अगर सही है सब कुछ तो फिर आपको ये ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइज यहाँ पर मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। बाकी की जो इंस्ट्रक्शन है ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इनमें जिन चीजों को आपको ले जाने की अनुमति है वो आप लेकर के चले जाइएगा और जिन चीजों के लिए आपको मना किया है वो आपको नहीं करने हैं। तो गाइज आपने यहाँ पर ये जानकारी जानी कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाने हैं। अभी बात करते हैं कि अगर आप फिर भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए किसी भी रीजन से और आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते हैं इनमें से किसी भी पोस्ट का या फिर आपकी जेएसए की पोस्ट का, जो कि आपके आने वाले हैं एग्जाम अगले महीने और एडमिट कार्ड भी अगले महीने, एग्जाम सिटी भी अगले महीने, तो आप कैसे अपनी जानकारी सेंड करेंगे? इसके लिए गाइज जो लिंक मैंने दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आप एक बार फिर से ओपन कीजिए। तो गाइज यहाँ पर आने के बाद में आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है और अपनी ईमेल आईडी देनी है, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप यहाँ पर आपकी यूजर आईडी, आपका पासवर्ड और साथ ही आप लिखेंगे DDA एडमिट कार्ड 2023। अगर आपकी पोस्ट है जेएसए तो फिर आपको DDA जेएसए एडमिट कार्ड 2023 लिखना है, या फिर जो भी आपकी पोस्ट है बेसिकली आप वो लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट चेक करने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो अगर आपने डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। इसलिए यूजर आईडी, पासवर्ड के साथ में DDA और उसके बाद में आपकी पोस्ट का नाम, एंड देन फिर आप यहाँ पर एडमिट कार्ड 2023 लिखेंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके दिया जाएगा, एंड उसके लिए आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये मेरी तरफ से फ्री सेवा रहने वाली है, और वो इसलिए ताकि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट न चली जाए एक एडमिट कार्ड को डाउनलोड न कर पाने की वजह से। इसलिए पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एडमिट कार्ड आपके समय से पहले डाउनलोड करके दिया जाए। सो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। अगर अभी भी आपको कोई सवाल, डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट मिलेंगे, एंड ऑल ओवर इंडिया बेस पर तो जो नोटिफिकेशन है, एडमिट कार्ड है और फॉर्म्स की वीडियो है वो तो आपको मिलती ही रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।